नमस्कार, हमारे साथ इलाके के निगम पार्षद हैं हरीश शुभराय जी। हम उनसे बात करेंगे, वो यहाँ पे धरने भी आए हैं, आज छठा दिन है, तो क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सर, आपका रिएक्शन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, 8 समन में पेश नहीं हुए, 9वें समन में भी पेश नहीं हुए, फिर जाके ईडी ने उनके घर से उनको गिरफ्तार कर लिया, तो सच की जीत हुई सर? मैं ये कहता हूँ, पुलिस स्टेशन से कौन भागता है, खाकी वर्दी देख के कौन भागता है, सीबीआई या ईडी को देख के कौन भागता है? जो आदमी सच्चा होगा ना, वो कहेगा आप मेरे से बयान ले लो, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। जिसने कुछ किया होगा वही भागता है। 10 बार संबंध दिए नहीं आ रहे कोर्ट में, इसका मतलब है इनके पास कोई जवाब नहीं है। और कल जब लोग कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने जब अपनी प्रोटेक्शन के लिए पटिशन लगाई, तो हाई कोर्ट ने जब तथ्य देखे, ईडी ने जब फाइल पेश की, हाई कोर्ट का लंच से पहले रिपोर्ट था, जब हाई कोर्ट के सामने ईडी ने जब डॉक्यूमेंट्स उनकी जो फाइल पेश की, तो डॉक्यूमेंट्स देखते ही ईडी वहाँ पे जो माननीय जज थे उनका रुख चेंज हो गया। उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, आप अपनी कार्रवाई करो, आपकी क्लाइंट चल रहे, आपको गिरफ्तार करने के लिए किसको रोका है? उन्होंने कहा जी, हम गिरफ्तार करने के लिए नहीं बुला रहे, इनको खाली इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं, ये इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी, आप फ्री हो, जैसे आपका कानूनी आप जो कार्रवाई आप कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्होंने को सरकार बनी थी इनकी, जो आए थे उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे। ये कहते रहे कि राजनीति को बदलने आए हैं, हम राजनीति को बदलने आए हैं, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, ऐसा शासन देंगे जो बिल्कुल प्योरली दूध की तरह, दूध के तरह साफ हो। लेकिन आपने देखा कि ये खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। इनके मंत्री जो है मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर हैं, अभी तक जमानत नहीं मिल रही। देखो मैं कह रहा हूँ, ये अगर ये कहते हैं हाँ जी ईडी या सीबीआई या पुलिस मोदी सरकार के अंदर काम कर रही है, तो जज तो नहीं कर रहे ना, जुडिशियल तो नहीं कर रही, इनकी जमानत क्यों नहीं हो रही? जब इनका फैसला इनके पक्ष में आता है तो कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई, वही जब इनके अगेंस्ट कोई फैसला आता है कह रहे हैं ये सारा पॉलिटिकल मैनिपुलेटेड है। तो इनके कोई इनका आधार नहीं है किसी का अपने आप को डिफेंस करने का। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो जैसी करनी वैसी भरनी, इन्होंने जो किया है उसका फल इनको मिलेगा, और हमेशा हमेशा के लिए इनको याद रहेगा कि हमने सरकार में आके क्या किया। और देश की जनता को भी पता है कि हमने ऊपर कितना इनके ऊपर विश्वास किया था, इन्होंने जो है बिल्कुल ये दगा दी है, जनता के साथ विश्वासघात किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब गिरफ्तार हो गए हैं, तो सरकार कैसे चलेगी? ये कहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। ये तो इनको मैं कह रहा हूँ कि भगवान को सद्बुद्धि दे, कोई भी सरकारें कभी जेल से चली, इनको ऊपर इतने जो है कार्रवाई हो रही है, इनका सत्ता से मोह भंग नहीं हो रहा, ये सीट के साथ चिपकना चाहते हैं। कोई भी सरकारें जेल के अंदर, जेल से नहीं चलती। जिसके ऊपर खुराना जी के ऊपर खाली डायरी के ऊपर नाम आया था, उन्होंने रिजाइन दिया था, कब जब तक मेरा नाम साफ नहीं होगा मैं वापस नहीं लौटूंगा राजनीति के अंदर। ये होता है राजनीति का जो दुपुरसात होता है, लेकिन इनके ऊपर जो मर्जी कर लो लेकिन सत्ता नहीं छोड़ो। शराब घोटाले में ये अंदर हुए हैं, यहाँ भी शराब का ठेका खोला जा रहा है, 7 दिन हो गए महिलाओं को यहाँ इलाके के लोगों को धरना देते हुए, तो क्या आपको लगता है कि शराब का ठेका बंद होगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ, शराब का ठेका बंद होना होता, इन्होंने बंद करवाना होता तो पहले दिन ही इनके डायरेक्शन के ऊपर, इनके कॉल के ऊपर ये एकदम बंद हो सकता था, लाइसेंस रद्द हो सकता था। ये लोग अभी भी शराब माफियों से मिले हुए हैं, शराब व्यापारियों से मिले हुए हैं, इनका जो नाता है, इनका चोली दामन का नाता है शराबियों के साथ, ये कभी छोड़ नहीं सकते इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने पैसे ले रखे हैं। इनको उनको भी जवाब देना शराब व्यापारियों को कि आप, नहीं तो उनको पता है कि हमको ये एक्सपोज करेंगे कि हमसे पैसे लेके हमारी दुकानें बंद करा रहे हैं। तो ये लड़ाई जारी रहेगी सर? ये लड़ाई जारी रहेगी, जो दिल्ली सरकार नहीं करेगी, यहाँ की जनता अपने हाथ में इसको लेगी, यहाँ की जनता इनको बता देगी शराब का ठेका कैसे बंद होता है। और हरीश शौराय निगम पार्षद के साथ है, जो कानूनी कार्रवाई कॉरपोरेशन की तरफ से होगी वो 100% होगी, चाहे इनकी बिल्डिंग बायलॉज चेक होंगे, देखा जाएगा कि इनकी जो इन्होंने शराब की दुकान यहाँ खोली है वो परमिसेबल है या नहीं है। अगर परमिसेबल नहीं है तो किसी हालत में इसके ऊपर कोई कोताही नहीं होगी, 100% MCD अपना काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी के बला, न्यू महावीर नगर।
मेरी बेनती है जनता से, सरकारों से भी बेनती है, यहाँ दो गुरुद्वारे हैं और ये मुख्य द्वार है गुरुद्वारे का। तो जैसे हमारी नगर कीर्तन जुलूस साहब निकलता है तो सवारी साहब आती है, बाबा साहब की सवारी गुरुग्रंथ साहब आते हैं पालकी साहब में, और यहाँ से पूरे कारपेट बिछाए जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कारपेट छा गुरुद्वारे तक जाना पड़ता है। तो एक ठेके के पास क्या गुरुग्रंथ साहब शराब लग सकता है? अभी पब्लिक देखी इसको, सरकारी भी देखी, यहाँ गुरुग्रंथ साहब की सवारी आ रही है, डेली प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो यह शराब ठेके में गुरुग्रंथ साहब की सवारी लगेगी यहाँ से? ये मुख्य द्वार है केबला का और गुरुद्वारा गोर्जन दरबार के, दो गुरुद्वारे यहाँ सामने हैं। शराब देखो, आज तक शराब के ठेके खुले हैं, साथ में स्कूल है, बच्चे की स्कूल पढ़े, ट्यूशन बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है एक जो हमारे गुरुग्रंथ साहब है, दुनिया सबको मानती है, हिंदू है चाहे सिख है मुस्लिम, सबको मानता है, तो कोई भी अपना धर्म के यहाँ दृष्ट ठेके में आएगा, शराब का ठेका खुला होगा और गुरुग्रंथ साहब की सवारी यहाँ से लगेगी। ये पूरी गली सजती है, सबको पता है, मैं हजारों फोटो निकाल के दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ से ये होना चाहिए, ये पब्लिक देख रही है, मगर ये गलत है, चाहे आम आदमी पार्टी है, यहाँ के जो विधायक हैं वो खुद सिख फैमिली से हैं, और वो जरनैल सिंह को हम लोगों ने बोल रखा है, जरनैल सिंह बोला कि मेरे बस का भी नहीं है। अच्छा। तो फिर किसके बस का है? अरुण की रिजल्ट तो जेल चला गया, अब किसके पास जाए? बिना विधायक की एनओसी के कैसे खुल सकते? ये तो जरनैल सिंह समझता है ना, देखो इसका जिम्मेदार सबसे पहले तो केजरीवाल है, कितने शराब के ठेके खोल दिए, वो तो अंदर चले गए जी, अंदर गया बाहर गया, तो सबसे पहले शराब के ठेके तो नहीं खोलने चाहिए। हाँ जी, शराब ठेके क्या जरूरत है, लोगों को शराबी बनाना है? आप कह रहे हो कि मैं स्कूल बना रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाओ ना, एक मोला क्लिनिक यहाँ खोल दो, खोल दो ना मोला क्लिनिक, लोगों का काम हो, शराब ठेके क्यों खोल रहे हो? ये कब तक आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन तब तक जब तक ये खत्म नहीं होगा, इसको बंद करा के रहेंगे, यहाँ पब्लिक नहीं छोड़ेगी। आज 100-200 बंद आए, कल 500 बंद, कल 1000 बंद खड़ा हो जाएगा यहाँ। एक इसकी जिम्मेवारी जो होगी अमरिंदर केजरीवाल की होगी और जरनैल सिंह की होगी, बाकी जो हम पार्टी से नहीं है, हम बिना पार्टी के हैं। यह गुरुद्वारा, दो गुरुद्वारे यहाँ मुख्य द्वार है गुरुद्वारे का। हाँ। तो हम संगत से तरफ से खड़े हैं। हाँ जी। तो जितनी भी सिख संगत है या और संगत है, हिंदू है, कोई भी है जो गुरुग्रंथ साहब को मानने वाले, तो यहाँ खड़े होंगे, तो इसको यहाँ से हटा के बंद करवाएंगे। हमारी बेनती, सरकारों से भी बेनती है, जो दिल्ली सरकार है चाहे भारत सरकार एलजी साहब है, तो उसको बंद करवा के दिखाए हम लोगों को, सबसे बड़ी बात ये है। बाकी जो कानूनी कार्रवाई हम तो कर रहे रहेंगे, मगर कोई भी आज 6-7 दिन हो गए पब्लिक यहाँ आ रही है, खड़ी है पब्लिक, तो कोई यहाँ नहीं आ रहा है, नेता कहाँ है? वोट लेने के नेता आ जाते, पहुँच जाते, और नेता कहाँ है? एक हरीश शुभरा बेचारा क्या करेगा, वो खड़ा है, औरों के भी फर्ज बनते हैं, एमसीटी का साथ दे रहे, वो तो अच्छी बात है साथ दे रहे, मगर और लोग भी तो है ना, यहाँ तो और भी खड़े हैं, सब तो वोट मानने आते हैं, आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों आते हैं, यहाँ खड़े हो ना, इसको बंद करवाए, ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये तो जनता का मुद्दा, जनता का मुद्दा, जनता के साथ खड़े हो ना। तो देखिए इनका कहना है कि ये जनता का मुद्दा है, सब पार्टियों को एक साथ देके इसका साथ देना चाहिए और इस ठेके को जल्दी से जल्दी बंद करवाना चाहिए। यहाँ पे दो गुरुद्वारे नजदीक है। आप देख रहे थे सच न्यूज 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा की रिपोर्ट, राजीव निरोला के साथ, नमस्कार।